धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखते हैं। हर साल शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा का आगमन स्थान विशेष तरीके से होता है। इसी साल नवरात्रि पर्व 7 अक्टूबर से शुरू होगा जो 14 अक्टूबर तक रहेगा। माँ दुर्गा के आगमन वाले दिन कलश स्थापना की जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर हो रहा है। वहीं माता रानी का प्रस्थान हाथी पर हो रहा है। हालांकि जानकार नवरात्रि की एक तिथि क्षय हो जाने को शुभ संकेत नहीं मान रहे हैं। शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि इस बार 7 अक्टूबर से शुरू होगा। चतुर्थी तिथि क्षय होने के कारण 9 के बजाय 8 दिन के ही नवरात्रि होंगे। 13 अक्टूबर को महाअष्टमी और 14 को महानवमी मनाई जाएगी। वहीं माँ दुर्गा इस बार डोली में सवार होकर आएंगी। यही स्थिति स्त्रियों के वर्चस्व में वृद्धि, लेकिन प्राकृतिक आपदा भूकंप, आगजनी और राजनीतिक उठापटक के संकेत देती है। धर्म के जानकारों के मुताबिक अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे, जिसमें जगत जननी माँ जगदम्बा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना होगी। इस बार नवरात्रि का आरंभ गुरुवार से हो रहा है। नवमी के बाद विजय दशमी में शुक्रवार के दिन माता का प्रस्थान होगा। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इस साल माँ जगदम्बा डोली में सवार होकर आएंगी। मान्यता के मुताबिक नवरात्रि में माता की डोली की सवारी स्त्री शक्ति की मजबूती का कारक बनेगी, लेकिन नवरात्रि की एक तिथि क्षय होने से प्राकृतिक आपदा, महामारी का असर और राजनीतिक उठापटक के संकेत भी मिल रहे हैं। 7 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से सुबह 7:07 तक है। इसी समय घट स्थापना करने से नवरात्रि फलदायी होंगे। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना जा रहा है। प्रकीर्तिता, ये नव दुर्गाएं हैं। 9 दिनों तक इन नव दुर्गा की साधना प्रतिदिन एक एक, जैसे पहले दिन जो है, पहले दिन का मतलब होता है 7 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की आराधना होगी और अंतिम दिन यानी नवमी को माँ सिद्धिदात्री के पूजन के साथ ही ये नवरात्र का समापन होगा। सामान्यतः नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की स्थापना यानी घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है। इस वर्ष नवरात्र का आरंभ चित्रा और वैधृति योग में हो रहा है। चित्रा और वैधृति योग यह अच्छे योग नहीं है, इसमें धन और पुत्र का नाश होता है, इसलिए चित्रा और वैधृति योग के संयोग में घट स्थापना प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में और अभिजित मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः सूर्योदय के पूर्व होता है, वहीं अभिजित मुहूर्त जो है मध्याह्न काल में 24 मिनट यानी 12:24 तक और 12:24 पूर्व, ये जो 48 मिनट जो होते हैं ये अभिजित काल होता है। वहीं जो है ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः काल माँ भगवती की जो स्थापना है, घट स्थापना, वो ब्रह्म मुहूर्त और अभिजित मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि चित्रा और वैधृति योग ये दोनों योग अशुभ माने जाते हैं। नवरात्र में सामान्यतः माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती, त्रिगुणात्मा भगवती पराम्बा की साधना की जाती है, उपासना की जाती है। उपासना में घट स्थापना, जवारे रोपण, अखंड दीप साधना और कुछ लोग पूरे 9 दिन तक उपवास करते हैं, फलाहार ग्रहण करते हैं और प्रत्येक दिन एक एक माँ शैलपुत्री, प्रथमम शैलपुत्री च, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा और कूष्मांडा, पांचवे दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नौवें दिन सिद्धिदात्री का पूजन माँ भगवती का होता है। यह शारदीय नवरात्र में जो शरद ऋतु होती है,
ये शरद ऋतु यमदंष्ट ऋतु के समान मानी जाती है। इसमें नाना प्रकार के ज्वर, विभिन्न ज्वर और असाध्य रोग जो है होते हैं, इसलिए घर में शुद्धता और सफाई जो है अवश्य रखना चाहिए। माँ के निमित्त जो है अग्नि पर गूगल जो है, गूगल का धूप जो है सुगंधित प्रज्वलित घर में करने से नाना प्रकार के जीवाणु जो है नष्ट होते हैं। माँ को 9 दिनों तक अलग अलग पदार्थों का भोग लगाया जाता है और प्रत्येक दिन माँ के श्री चरणों में एक लाल गुलाब का फूल, पहले दिन एक गुलाब का, दूसरे दिन 2 गुलाब का, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, इस प्रकार वृद्धि क्रम से, बढ़ते क्रम से जो है माँ को श्री चरणों में लाल गुलाब का फूल जो है चढ़ाना चाहिए। माँ की आराधना, माँ की साधना में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि को हवन करने का विधान है, वहीं नवमी तिथि को 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या का, यानी नव कन्याओं के भोजन कराने से नव दुर्गा की साधना का फल जो है प्राप्त होता है। 13 अक्टूबर को महाअष्टमी तिथि है, वहीं 14 अक्टूबर गुरुवार को जो है महानवमी है। इसमें कुल देवी और कुल देवता का पूजन भी लोग करते हैं, अपनी अपनी कुल परंपरा अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुल देवी के पूजन से घर में सुख शांति और समृद्धि जो है बनी रहती है। घटस्थापना शुभ मुहूर्त में करें, ब्रह्म मुहूर्त और अभिजित मुहूर्त में करें। वहीं माँ की उपासना के लिए 9 दिनी जो साधना है इस वर्ष जो है 8 दिनों की होगी। तो ये नवरात्रि का घटना और श्राद्ध का बढ़ना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा, वैदिक अध्यक्ष, मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद।